वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बीरभूम हिंसा मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इस मामले की जांच को सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी है। ममता बनर्जी की सरकार ने इस जांच को सीबीआई को नहीं सौंपने का अनुरोध किया था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कोर्ट ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम मौके पर पहुंच अपनी जांच में जुट गई है। बंगाल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल अब ये मामला सीबीआई को सौंपेगी। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सीबीआई को 7 अप्रैल तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक टीम घटना स्थल पर पहुँच कर सैंपल और सबूत जुटा रही है। यही उम्मीद थी सबको और सबको सामान्य लोग से लेकर सारे पार्टी मीडिया का भी ये डिमांड था कि सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि बंगाल की जो सरकार है ममता सरकार, इनकी जो कैपेसिटी सबको मालूम है, सब लोगों को मालूम है। नारदा सारदा का जो लगभग 80,000 का घोटाला हुआ है चिटफंड का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश से सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। पोस्टल वायलेंस हुआ, उसमें भी सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। और हर बार कोई घटना होता तो एसआईटी गठित करके उसको दबाने का ममता बनर्जी प्रयास करते हैं, इसलिए उन पर भरोसा नहीं, अदालत को भी भरोसा नहीं था, इसलिए अदालत अपने हाथ में ले लिया। किसी एक जस्टिस के देखरेख में सारा इंक्वायरी चलेगा और 7 तारीख तक तो रिपोर्ट आएगा। सर, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, आप लोग क्या क्या आप भी मानते हैं कांग्रेस जैसा करे कि यहाँ पे दानव राज है, यहाँ पर कोई भी जनता का राज नहीं है? बिल्कुल सही है। इस प्रकार मासूम लोगों को जिस प्रकार से हत्या किया जा रहा है, किसी सभ्य समाज में नहीं होता। और इसके लिए दुर्भाग्य से ममता बनर्जी माफी भी नहीं मांगी है। पहले उनका नेता और मंत्रियों का कमेंट था कि सब जगह ऐसा होता है, दूसरे प्रदेश में होता है, और उसको केवल दुर्भाग्यजनक बोला। लेकिन सरकार की जो गलती हुई है, सरकार की जो नाकामयाबी है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। केवल एक सीट गठित करके और अपना जिम्मेदारी पूरा कर दिया। सोमवार यानी 21 मार्च को तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की 2 बाइक सवारों ने हत्या कर दी थी। इसके कुछ ही घंटों बाद गांव में 2 बच्चों समेत 8 लोगों को जलाकर मार दिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने ऑटोप्सी रिपोर्ट के हवाले से बताया कि मारे जाने से पहले सभी 8 लोगों को पीटा गया था। मीडिया खबरों के अनुसार इन दोनों परिवारों के बीच लगभग 10 साल का झगड़ा चल रहा था। पिछले साल भी इस परिवार के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये थी बीरभूम मामले पर हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।